हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हॉरेस स्टैंडबाय वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। कि जो हॉरेस स्टैंडबाय है वो दोस्तों एक अच्छा रिस्पेक्टेबल पर्सन है, पर वो पूरा ऑनेस्ट है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। व्हाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर हॉरेस? कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये सही कैसे है हमसे पूछा गया है। व्हाई कैनॉट बी ही कैटेगराइज्ड एज अ टिपिकल थीफ? कि यहाँ पे हॉरेस स्टैंडबाय को एक टिपिकल थीफ क्यों नहीं कहा जा सकता? दोस्तों, हमने कहानी में देखा कि जो हॉरेस स्टैंडबाय है वो चोरी सिर्फ इसलिए करता है कि उसका शौक पूरा हो जाए। और वो शौक क्या है कि उसको हर साल कुछ रेयर एक्सपेंसिव किताबें खरीदनी होती हैं, उसको पढ़ने का बहुत शौक है। और दोस्तों, वो चोरी सिर्फ उन्हीं लोगों से करता है जिनके पास बहुत सारा पैसा है। तो बेसिकली एक टिपिकल थीफ जैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि वो एक गुड और रिस्पेक्टेबल पर्सन है, सिटीजन है, पर वो सच्चा पूरा नहीं है। ये बिल्कुल एक सही डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि उसके चोरी करने का तरीका, उसके चोरी करने का मकसद दूसरे चोरों से काफी डिफरेंट है। तो बहुत ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख सकते हो, रिटन सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, उसको भी जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर इतनी आसानी से इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। See you in the next lecture. स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।